नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जो कि आप लोगों को पिछाई हमारे दिखाई दे रहा होगा। ये है नावली माता, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जो हमारे ज़िला जालौन में पड़ता है। और सब यहाँ की जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं बहुत ही प्रसिद्ध मान्यताएं मानी जाती हैं यहाँ की, वो सभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ज़रा कैमरामैन से कहेंगे ज़रा एक बार पीछे का व्यू दिखाएं चारों तरफ का, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। तो चलते हैं अंदर, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं श्री स्कंद माँ सिद्ध पीठ नावली माता है, जो कि सच्चे दरबार की निशानी है, जानते हैं सभी लोग, मानते भी हैं। और चलते हैं अंदर, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं पहले, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे, दर्शन कराने के बाद फिर जो ही यहाँ की मान्यता है हम संपर्क करेंगे, वो जानते भी हैं। आप लोग देख सकते हैं जी, चारों तरफ एक बार दिखाएं। पहले हम दर्शन करा देते हैं आप लोगों को, फिर हम बताते हैं यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप लोग दर्शन करिए पहले। महाराज जी हैं, महाराज जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने के बाद महाराज जी से बात करते हैं यहाँ क्या क्या यहाँ की मान्यता है। चल दूर से लगा जी। महाराज जी जय जय माता दी। यहाँ जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, क्या क्या यहाँ की मान्यता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। माता रानी जमीन से प्रकट हुई थी, अच्छा, जब निकली थी तो चारों ओर प्रकाश हुआ था। अच्छा अच्छा। प्रकाश होने के बाद जो प्लेट जैसी बीमारी चलती थी महामारी कुछ दिन पहले, माता रानी ने सपना दिया कि जाओ नदी पर, जाओ जल ले कर आओ, मुझे स्नान कराओ। अच्छा। स्नान कराने के बाद तभी ये शांति होगी विश्व में, नहीं तो सब लोग पृथ्वी से गायब हो जाएंगे, ऐसी समस्या रही और देखने को रही। ऐसे कह जाने के बाद कुछ लोग नदी पर गए और नदी पर जाने के लिए जल ले आए, माता रानी को स्नान कराया और कुछ लोग जीवित भी हो गए। और यहाँ पर जो मनोकामना जो मांगते हैं माता रानी उनकी पूरी करती हूँ, सारी समस्या रोग पीड़ा इत्यादि से शरीर निर्वृत्त हो जाते हैं। अच्छा, इनकी बड़ी कृपा है। तो ये बताएं महाराज जी, आप यहाँ कब से हैं? हम 8 वर्ष की उम्र से हैं। 8 वर्ष की जी। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश, कई राज्यों से आते रहते, उत्तर प्रदेश तो आते ही हैं। अच्छा, अच्छा। कई राज्यों से आते हैं, जवारी चढ़ाने आते हैं माता रानी के लिए, सब भेंट करने आते हैं, जो कुछ भी अंतर है वो भी करने। अच्छा अच्छा। यहाँ जो मेला वगैरह लगता है वो कब लगता है? ये नवरात्रि में लगता है। नवरात्रि जी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नावली माता है, महाराज जी से खुद यहाँ का परिचय जानते हैं। जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, अपनी आस्थ लेके आते हैं, वो यहाँ से कभी निराश नहीं जाते, कभी नहीं जाते। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अच्छा। जिसने जैसे कि हमारे दर्शक लोग आना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिएगा। ये एड्रेस है ग्राम नावली, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। UP MP के बॉर्डर पर ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक नदीगाँव। नदीगाँव जी। जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है नावली माता, प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। और जो बताते हैं महाराज जी से बात की हमने, कि जो ज़िला जालौन में पड़ता है, ब्लॉक है नदीगांव, वहीं है ये MP UP के बॉर्डर पर है। और भी दिखाते हैं आप लोगों को, दर्शन हमने करवा दिए हैं, महाराज जी से बात भी कर ली है, और आगे चलते हैं। आप ये कुआ बना हुआ है जी, कुआ की हम महाराज जी से सच्चाई जानते हैं। जो भी इसका जल का घर महाराज वो क्या 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 कहना चाहिए, ये इसका कोई जल ग्रहण करता है या घर ले जाता है, हाँ। उसकी सारे रोग मिट जाते हैं। अच्छा, इसकी अच्छा। कुआ की बहुत मान्यता है। किस प्रकार के रोग? ये फेफड़ा इत्यादि है, किडनी में इत्यादि भी, जो शरीर के संबंधित रोग हैं, कुछ भी रोग हो। अच्छा, अच्छा। वो जल को ले जाते हैं माता रानी को दिखाने के, दिखा कर उनके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जल बहुत पुराना है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका तो कई प्रमाण भी हुए हैं। अब आपको हम नहीं दिखा सकते, भक्त मंडल नहीं है। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब भी भक्त मंडल आएंगे आपको मुलाकात भी कराएंगे। अच्छा, और अभी क्या बता रहे थे? कल वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? कल वृक्ष कहते हैं, ये स्वर्ग में होता है कल वृक्ष। अच्छा अच्छा। इसकी पूरी छाई पूरे मंदिर की ओर है। अच्छा अच्छा जी। जो पूरा इस मतलब पेड़ से सभी मंदिर ढका हुआ, हाँ, है। सभी मंदिर, पूरे मंदिर जितना भी मंदिर है, हाँ, उसकी छाई चारों ओर है।
इसको कहते हैं एक कल्प वृक्ष। यहाँ पर जो मनोकामना मांगते हैं भक्त मंडल, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। ये आप देख रहे हैं, ये पुराना मंदिर बना हुआ है। इधर से जरा दिखाएं मंदिर, ये पुराना बना हुआ है, ये माता रानी के लिए बनवाया गया था। अच्छा, आज से 70 वर्ष पहले। 70 वर्ष माता रानी ने सपने दिया कि मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। लोगों ने कोशिश की उठाने के लिए, माता रानी कुछ भी नहीं उठी। अच्छा। उठी नहीं है। वो मंदिर आज भी ऐसा ही पड़ा रह गया। अच्छा, अच्छा। जी, इनका पहले मंदिर वही स्थान था। हाँ, स्थान तो यही है। अच्छा। लोगों ने सोचा मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा, ऐसा मंदिर बनवाऊंगा कि कोई देखता रह गया। मतलब यहाँ से उठाने की कोशिश, हाँ यहाँ उठाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने अपनी भी इसी जगह पर आज भी है, उसी जगह पर ही है। अच्छा। वो चिगी नहीं है, वो अपनी मतलब जो वहाँ उनका स्थान था वो स्थान उनने अपना चेंज नहीं किया है, वो अपनी जगह पर है आज भी है और आदि काल तक ही रहेंगे। वो जो आप नदी की बात कर रहे, कौन सी नदी? ये नदी इसको कहते हैं पहुज नदी। अच्छा, अच्छा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर नदी है। हाँ। जी, क्या उसकी सच्चाई बताएं? उसकी सच्चाई ये है, वो जल ले आते हैं, माता रानी को स्नान कराते हैं और जो भी इच्छा होती है वो कहते हैं, मन कामना पूरी करती। आज से 70 वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर नदी है, सब कुछ है। चलिए, ये थे हमारे महाराज, यहाँ के पुजारी हैं, तो उनसे हमने बात की। चल, यहाँ पर जब माता रानी निकली थी, जब यहाँ प्रकट हुई थी, तो चारों तरफ नहीं था यहाँ। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था, मत बस एक चबूतरा था, मिट्टी का डेला था, वह कुछ नहीं था, एक नीम का वृक्ष था। अब तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा से मंदिर भी बन रहा है और भी कार्य हो रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें। अच्छा, चलिए ठीक है महाराज जी। जी, और दिखाते हैं आप लोगों को, हमने दर्शन आपको करवा दिए, महाराज जी से भी बात करवा दी है आपसे, और यहाँ की उन्होंने जो भी मान्यताएं थी सभी मान्यताएं बताई हैं, और जो भी भक्तगढ़ आना चाहते हैं तो महाराज जी ने एड्रेस भी बता दिया है, और ये चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक करें और जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।